हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे कि अच्छा होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा वायरल वीडियो अपडेट आप लोग का नया नया मिल रहा है। बहुत दुखद घटना है। सही बात है, लोग हमसे पूछ रहे थे कितना लोग सही बात है कि गलत बात है। सही बात है, इस दुनिया में मालती चौहान हम लोग के बीच में नहीं रही। इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका आत्मा के शांति मिले। ऐसा अचानक से घटना हुआ था। बाकी हम लोग के देखने से यही लग रहा है कि वो ऐसा लड़की नहीं थी यार। अपने से अब फांसी नहीं लगा सकती है। अब क्या कहा जा सकता है, इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है कि विष्णु राज ऐसे क्यों कर दिया। मालती आखिर ऐसे क्यों कर दी? आप लोग इतना बड़ा यूट्यूबर होकर आप लोग कुछ समझ नहीं सके, बताइए आखिर में मालती चौहान की जान आप लोग ले लिए। हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम, खुशी गोरछे बोलत रही। तो दोस्तों, यूट्यूब का वीडियो देखने के बाद दिल दहल जा रहा है कि क्या हो गया हम लोग के फैमिली में और यूट्यूब पे की जो वीडियो बनाने वाले थे, जो जोड़ी अच्छा थी वही आज बिछड़ गई और चली गई। दोस्तों, एक आप लोग से हम बात बताने वाले हैं। एक वीडियो हम देखे थे मालती भाभी का, जो कि बोली थी कि हम उन्हीं के घर में रहेंगे, उन्हीं के साथ जिएंगे मरेंगे, जो भी बोली थी। पर विष्णु भैया बोल रहे हैं जो मीडिया लोग के सामने कि नहीं, वो बोल रही थी रात में कि हमारा कोर्ट मैरिज करा दीजिए। अच्छा, ये बताइए, ये सब झूठ बात है ये सब? विष्णु भैया भी इतना कीचड़ मत उछाड़िए। वो लड़की बोल के गई है कि हम ससुराल जाते हैं, हम वही रहेंगे हमारा। देखिए विष्णु भाई, आप लोग से बता दे रहे हैं, विष्णु भाई ये चीज के छुपा के रखे थे। वो मालती भाभी 20 तारीख उनके घर पे आ गई थी। बाकी काल तक वो वीडियो डालते रहे कि अभी मालती हमारे घर पे नहीं है, समझौता हो गया है। इसलिए कि वीडियो वो नहीं लाना चाहते थे। इन लोगों का रचना था कि क्या था भगवान जाने, मगर हम लेकिन उनके पिताजी बोल रहे हैं कि हमारी मालती 20 तारीख के शाम को चली गई थी ससुराल में, अपना चली गई थी। वो लोग डरवा धमका कर उसको रख रहे थे। और दोस्तों देखिए, ये फांसी नहीं लगाई है, उनके मुंह पे पूरा दाग है, वो लोग ऐसे उनके जैसे मारे। फांसी वो लगाई नहीं सकती थी यार, इतना हिम्मत कर थी, ये केरे लड़ रही थी। दोस्तों इतना सपोर्ट करिए कि जो मारा है उसको सजा होना जी, चाहिए। बिल्कुल, जो वो तो चले वाला जाने वाला चल गया। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है, वहाँ पर जो भी व्यक्ति है, पुलिस प्रशासन, आप लोग से नर निवेदन है कि जो भी इसमें शामिल है हत्यारा में, उन लोगों का फांसी के सजा होना चाहिए। इसलिए कि अगर वो नहीं है तो इन लोगों के भी जीने के हक नहीं है, और इन लोगों का मन बढ़ जाएगा ऐसा ही, किसी के भी साथ ये लोग करने लगेंगे। ममता चौहान के साथ ऐसा ही घटना हुआ था सेम, लेकिन छिपा दिए थे, जो कि विष्णु राज छिपाए थे, वो नहीं आए, उनके सामने ढेर थी ममता। ठीक है, उन लोगों के साथ में रहती। देखिए दोस्तों, ममता मेरे ही गाँव की है। हम लोग इसलिए नहीं बोले ना कि चलिए कोई बात नहीं, जब उन लोग उनकी माँ बोल दिए तो हम लोग क्या बोले, इसीलिए नहीं बोले। लेकिन उनका माँ वही मन बढ़ा था कि अपनी बीवी को किए हैं ऐसे। उन लोगों का मन बढ़ गया है, का कर दे रहे हैं। तो अकेले फांसी यार नहीं लगा सकती। नहीं दोस्तों, शांति दीदी बोल रही है कि नहीं, मेरी बहन का ऐसे मुंह दबा गया, ये सब फूल गया है, काला हो गया, इतनी दूर फांसी कैसे लगाएगी, इसे लगाएगी कि इसमें लगाएगी? गला फांसी के मरने के गला के निशान रहता है। ठीक है, तो दोस्तों कानून से हम कह रहे हैं कि कानून उनको जल्दी पकड़ कर ऐसे कि मुड़िया रेत दीजिए, न बांस रही न बांसुड़ी बाजी। हमारे यूपी में योगी बाबा के सरकार है, जितना जो भी गलत काम करेंगे तो वहाँ उन लोगों को सजा तो भोगना ही भोगना है। यूपी के बात है और ना तो गोरखपुर की बात है। ठीक है, इतना बहुत अजीब अजीब, लेकिन हिम्मत देखिए इनका, विष्णु राज का है और अर्जुन जो है उनका, कि एक लड़की का जान ले लिए ये लोग, दोनों लोग टॉर्चर करके। वो बेचारा हर मीडिया में बोल रहे हैं कि हम रख लेंगे। अरे इंसान होंगे ना तो बोलते कि नहीं, जो हो गया है, वो अपने घर खुश है। तो नहीं, वो बोल रहे हैं विष्णु की ये लोग चोरी चोरी बात करते थे, अभी कल रात तक ले ये लोग आज बात किए हैं। तो ये लोग तो विष्णु राज से बोल रहे हैं कि अर्जुन को बोलिए कि वो तो अपनी बीवी के साथ खुश रहेगा, अपने बाल बच्चे के साथ। वो ने बेचारी अपना औलाद छोड़ के चली गई, कौन देखेगा उसको? अच्छा, माँ का प्यार कौन देगा? यही आप लोग से दोस्तों बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जब 20 तारीख के मालती आ गई थी तो क्यों नहीं वीडियो में?
मिली हैं आप? अब विष्णु 3 दिन से छुपा कर रख रहे थे, तो बताइए आखिर वजह क्या है? सच में मार के वो लोग वीडियो बनवा रहे थे उससे। आखिर वजह क्या था कि 3 दिन हो गया मालती चौहान ससुराल में है, अब विष्णु बोल रहा था कि नहीं, मीडिया के आकर बोल रहा था कि वो लोग वो समझौता हो गया है, बाकी कागज पत्र के मुताबिक हुआ है समझौता, हम उसको वीडियो में अपने हिसाब से काम कराएंगे। अभी नहीं, कल बोले थे कि अपने हिसाब से काम करवाएंगे, हम जब चाहेंगे तभी हो सकता है, न तो नहीं हो सकता है। आ 3 दिन हो गया वो पोल नहीं खुला था कि मेरे पास है, ये कुछ राज है जी, राज है, कुछ इनका भी इसमें हाथ है, हाथ है, पूरा हाथ, पूरा हाथ है। कौन इंसान है कि जो अपनी पत्नी के बारे में नहीं जानेगा? क्यों आप स्टूडियो में गए, क्यों नहीं उसके पास रहे आप? ठीक है, इन लोगों शायद 3 बजे आप मौका दिए कि दिमाग इधर उधर दौड़ाएगी और आएंगे तो हम गाला चिप देंगे। दूसरे का जान नहीं है ना, कभी सुख से नहीं रहेंगे हमारा। देखिए ये रियली बात है दोस्तों, युवराज का भी जान खतरा में, जो अपनी बीवी को मार दिया अपने औलाद को भी मार देगा। तो सबसे निवेदन है प्रशासन से कि युवराज के अपना कस्टडी में रखा जाए, चाहे उनका मामा गाँव रखा जाए क्या, और उनका जितना चैनल है उतना युवराज के नाम में किया जाए और उनका पैसा दिया जाए। ठीक है, देखिए एक मालती चौहान ऐसा ही मरी थी, इन लोगों के साथ में काम करती थी, ममता चौहान, शादी होने वाला था जो कि विष्णु राज के, अरे नहीं वो है का बोला जाता है, विष्णु राज के भाई है वो, महादेव के साथ शादी होने वाला था। हाँ, तो वो लोग खुद देखिए दूसरा ये घटना हो गया, साल भर अभी भी सालों भर का 6 महीना नहीं हुआ है अभी। तो देखिए यहाँ पर जो कि इनका माँ बयान दे दी थी कि नहीं मेरा, और वो भी बेचारी फांसी लगाई थी, बिल्कुल ये लोग बोल रहे थे कि नहीं उनका तबियत खराब था, तबियत नहीं खराब था, इनका माँ दबा दिया गया पैसा कौड़ी देकर। बाकी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो घटना हुआ है इन लोगों नहीं दबाया जाए ना, इसमें सब जितना लोग गोरखपुरिया भौजी आप सुनती होंगी तो नाम तो बदनाम ऐसे भी हुआ है, लेकिन आप छोड़िएगा मत, इन लोगों को सजा जितना इसमें इन्वॉल्व है इस हत्यारा में, मैंने जो भी मर्डर केस में उन लोगों का फांसी होना चाहिए, चाहे साजा होना चाहिए, बिल्कुल जीवन भर साजा होना चाहिए, ये नहीं कि 2 महीना 4 महीना साल भर होने के बाद आकर वीडियो फिर बनाने लगे हैं लोग, नहीं इन लोगों का सबसे जड़ वीडियो बनाना है और पैसा कमाना है, इन लोगों का मन बढ़ गया है, बताइए इन लोगों के चलते लोग दुनिया पे कहा बीत रहा है, वो लोग खुद समझ नहीं रहे हैं, ऐसा बड़ा एक हम लोग का सदस्य बिछड़ के चली गई, बताइए मैंने हादसा बड़ा हो, समझ रहे हैं कितना बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा है, किसी को मार देना यार छोटी बात थोड़ी होता है, किसी का जब आपको नहीं रखना था तो क्यों लाए, क्यों समझौता किए, वही काम किए जो जो सबको डर था जी, बिल्कुल ले आकर मार दिए, सबसे गुना विष्णु राज में है, यही है मेन जरिया विष्णु राज और अर्जुन है, और वो दिन अर्जुन की बीवी रो रही थी, आज कहाँ जाएगा वो लड़का, कुछ उनका भी गलती है, टॉर्चर करके इतना इन लोगों का परेशान कर दिया वो बंदा ना कि इन फोन से लोग परेशान किए, और सुनने में आ रहा है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि तुम अपने पति के साथ चली गई तो फलान ठेकान चिलान, तो कहाँ जाएगी बताइए, छोड़िए ना, हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे अगर ऐसा काम तो हो ही गया, अब तो जान लौट के नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, बाकी इन लोगों को जितना है इनमें शामिल जल्द से जल्द 24 घंटा में इन लोगों का अरेस्ट, गिरफ्तार करिए और पकड़िए इन लोगों को, सलाखों को पीछा कीजिए। हाँ ये भी बात है कि इन लोगों के छूटना नहीं चाहिए, इन लोगों का साझा होना चाहिए, अगर मालती इस दुनिया में नहीं है तो अगर इन लोगों का भी जीने का हक नहीं है, जैसे आज विष्णु राज को घर और गाड़ी और पैसा मिल गया, स्टूडियो मिल गया, तो बड़का दिमागदार हो गए हैं ना इन लोग, यार ऐसा ऐसा ये घटना इधर हुआ, दूसरा साल नहीं बीता दूसरा घटना हो गया, वो तो चीज छिपा दिए आप लोग, बकरी छिपे हम भी लोग नहीं देगा, अगर छिप जाएगा तो हम लोग इस बात के पहुंचाएंगे, हर मीडिया भाई से कहेंगे कि इस चीज की जांच हो, इन लोगों का साझा होना चाहिए, जितना इसमें लोग शामिल है कोई भी हो, ये नहीं है अगर हम भी रहते तो इसमें हमको भी सजा होना चाहिए था,
हमको गलत, तो लगता है कि उसको सुतने में ये लोग जा कर गला दबा दिए हैं, वैसे ही लग रहा है। क्यों नहीं देखी है बेचारी, झूठ सच के पंखा लटका दिया है, वैसे नहीं पंखा भी उतना वजन है, पंखा उतना ऊपर है जाएगा ना तन्ने जाएगा, पंखा तो सेम टू सेम ऐसा ही ठीक ठाक है। अगर इसमें देखो हम बता रहे हैं, ये पंखा है, इसमें हम फसली लगाएंगे तो डायना इसका है ना न जाएगा ठीक है, जबकि कुछ नहीं हुआ है, ये लोग जबरदस्ती। और इधर में भी सुन रहे हैं कि दागी होगी नहीं है दोस्तों, अब फांसी लगाना इंसान का जीभ निकल जाता है, जीभ निकलता है और ये आंख जो है ना उनका उलट गया है और मुंह काला हुआ है बस। तो चलिए आप लोग जरूर इस बातों के रखिए दोस्तों, शरीर में डर हो गया है कितना।